हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सात्विक चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन का कौन सा ओपन जीता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड कप। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन 2024 के फाइनल में चीन की जोड़ी चेन बो यांग और लियू ई की जोड़ी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अब हम बात करते हैं कि सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन कौन से खिताब अपने नाम किए हैं। BWF फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब सात्विक और चिराग की जोड़ी ने ही जीता है। 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक चिराग की जोड़ी को प्राप्त हुआ था। कोरिया ओपन 2023 सात्विक चिराग की जोड़ी ने ही जीता है। सात्विक चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता था। अब हम बात करते हैं बैडमिंटन से संबंधित कप और ट्रॉफी की। थॉमस कप ये पुरुषों के लिए है, उबर कप ये महिलाओं के लिए है, एशिया कप, सोफिया कप और मलेशियाई कप। क्वेश्चन दो, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे अधिक उम्र की महिला कौन बनी है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, ज्योति रात्रे। 55 वर्ष की ज्योति ने दूसरे प्रयास में 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला का नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार इनको 2023 में खराब मौसम की वजह से ज्योति रात्रे को 18,161 मीटर की ऊंचाई से वापस लौटना पड़ा था। ज्योति रात्रे ने संगीता बहल का रिकॉर्ड तोड़ा है। संगीता बहल ने 19 मई 2018 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे अधिक उम्र की महिला का खिताब हासिल किया था। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। नेपाल के कामी रीता ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर 12 मई 2024 को शिखर पर चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। नेपाल के पसांग दावा 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। माउंट एवरेस्ट का शिखर बिंदु 2020 में 8,848.86 मीटर था। ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटी है। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। उनके साथ नेपाली भारतीय शेरपा तेंजिंग नार्गे भी थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की जुंको ताबेई ही थी। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। संतोष यादव 1992 और 1993 में माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। अरुणिमा सिन्हा 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला है। मालवनाथ पूर्णा 2014 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की है। क्वेश्चन 3, 21 मई को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के छठवें और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 21 मई 1991 को आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। पहला आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई 2020 को मनाया गया था। चीन में चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा किया जाता है और असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन 4, महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी 2027 में ब्राजील में होगी। फीफा विश्व कप का ये 10वां संस्करण है। अब हम बात करते हैं फीफा की। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। अब हम जानते हैं स्पोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं। थॉमस और उबेर कप 2026 का आयोजन डेनमार्क में किया जाएगा। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया जाएगा। क्वेश्चन 5, फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अपने करियर में रोनाल्डो ने चौथी बार फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई वाले एथलीट की सूची में टॉप स्थान में शामिल हुए हैं। फोर्ब्स के अनुसार रोनाल्डो की कमाई है $260 मिलियन। स्पेनिश गोल्फर जॉन रहम कमाई करने वालों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। जॉन रहम की कमाई है $218 मिलियन। फोर्ब्स एक अमेरिकी बिजनेस पत्रिका है। क्वेश्चन 6, किस देश ने हाल ही में ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, UAE ने। UAE के द्वारा ब्लू रेजिडेंस वीजा उनके लिए है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ये वीजा 10 साल के लिए लागू किया गया है। ब्लू रेजिडेंस वीजा को दुबई के प्रधानमंत्री और शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इसे लॉन्च किया है।
क्वेश्चन 7, स्पेस पर जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, एंड ड्वाइट। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोज की स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजन। इस कंपनी के द्वारा 19 मई 2014 को 6 लोगों को न्यू सेपर्ड रॉकेट से स्पेस भेजा है। इस मिशन का नाम है NS-25। इस मिशन में 90 साल 8 महीने के बुजुर्ग एड ड्वाइट भी शामिल थे तथा स्पेस में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं। अब हम पढ़ते हैं अब तक अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्तियों के बारे में। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं राकेश शर्मा। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला प्राणी है लाइका कुत्ता। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में चलने वाला पहला व्यक्ति है एलेक्सी लियोनेव। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर आदमी को भेजने वाला पहला देश है अमेरिका। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय यान है वाइकिन फर्स्ट। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है वाइकिन फर्स्ट। क्वेश्चन 8, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर रोक लगाई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन 9, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 6.9%। क्वेश्चन 10, दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। दीप्ति ने अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क का 55.12 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड दीप्ति ने पिछले साल पेरिस में बनाया था। अब हम करते हैं हमारी कल की क्लास का रिविजन। क्वेश्चन 1, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल खोला गया है? इसका राइट आंसर आएगा भूटान। क्वेश्चन 2, एक्स ट्विटर का डोमेन twitter.com से बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर आएगा x.com। क्वेश्चन 3, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा 20 मई को। क्वेश्चन 4, आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा असम गुवाहाटी में। क्वेश्चन 5, 2030 तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था कहां तक पहुंच सकती है? इसका राइट आंसर आएगा $1,000 अरब तक। क्वेश्चन 6, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहां आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर आएगा उलान बटार में। क्वेश्चन 7, भारत और अमेरिका के बीच तर्कस अभ्यास का आयोजन कहां हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा कोलकाता में। क्वेश्चन 8, आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग किस देश में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर आएगा अमेरिका में। क्वेश्चन 9, किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है? इसका राइट आंसर आएगा ईरान के राष्ट्रपति का। क्वेश्चन 10, डेडलाइन की ग्लोबल डिसर पटर्स 2024 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर आएगा दीपिका पादुकोण। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।